निजी स्कूल संचालक पर बच्चों के बाल काटने के लगे आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के आगे से एक निजी स्कूल के छात्रों ने अपने परिजनों के साथ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, छात्रों के परिजनों ने थाना मजोला में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के पीटी टीचर इसरार ने उनकी बिना सहमति के उनके बालों पर ट्रिमर मशीन लगाकर उनके बाल काट दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन पर कहा कि स्कूल प्रशासन हमें बुरी तरीके से स्कूल में एडमिशन लेने वक्त एडमिशन में फॉर्म पर टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, जिस पर छात्रों के परिजनों से उस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए स्कूल प्रशासन ने बाल काटने की बात को सही ठहराया है। हालांकि मुरादाबाद के थाना मजुला इलाके के काशीराम नगर में स्थित निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट मीर अकेडमी की पीटी टीचर इस्तार पर आरोप है। वहां अब देखना ये होगा। फिलहाल बच्चों के बाल कटने के बाद परिजन काफ़ी आक्रोशित हैं और वे पुलिस और शिक्षा विभाग से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम शिवा प्रजापति है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ सेंट मीर अकेडमी। हमारे स्कूल में सर इजरार सर हैं, सर पीटीआई सर हैं। सर वो मतलब सर बहुत बुरी तरीके से सर बच्चों के ऊपर सर मारते हैं, सर पनिशमेंट देते हैं, सर पाइपों से मारते हैं सर, और सर बैट वैट से जो होता है सर मारा जाता है सर स्कूल में। और सर कभी कभी सर अगर आई कार्ड नहीं होता है तो क्लास में ही मार मार के भेजा जाता है, और सर मतलब कि किसी की सुनी नहीं जाती है सर। सर कल भी सर कल जब हमारे हेयर्स पे ट्रिमर चल रहा था सर, कोई नहीं सुन रहा था हमारी, सर कोई सुनने वाला नहीं था। और सर हमारे सर बालों पर सर ज़बरदस्ती ट्रिमर चलाया गया था, और सर ट्रिमर बहुत ज़्यादा हीट हो गया था सर क्योंकि, और सर बहुत सारे हेयर्स जो थे सर जल भी रहे थे इस तरीके से। और सर हमारे मेरे सर मैं यहाँ पे सर चोट लग रही थी, तो ये भी सर थोड़े से बेकार लग रहा है सर, इस चक्कर में ट्रिमर चल गया था सर। सर इसलिए बस थोड़ी सी ये सर सुनी नहीं थी किसी ने भी सर स्कूल में हमारी सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक अरोड़ा है। आप DIOS ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों क्यों आना पड़ा सर? सर हम DIO ऑफिस आए हैं इसलिए कि ये जो छात्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सेंट मीराज अकेडमी जो गौतम बुद्ध पार्क पर है उसके छात्र हैं कक्षा 9th के। इनके साथ विद्यालय के अंदर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके सरों पर कल ट्रिमर चला दिए गए हैं बिना इनको सूचित किए, बिना अभिभावकों को सूचित किए। और वहाँ पर कभी डेली उत्पीड़न किया जाता है, कभी फीस के लिए बार बार बच्चों को टॉर्चर करना, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली 150 रुपये प्रति माह या कभी 200 रुपये प्रति माह वसूलना, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, मतलब पैसा ये एक शिक्षक को एक बिजनेस के स्तर पे वो करा जा रहा है, बिजनेस बना दिया गया है शिक्षक को एक। तो हम ये चाहते हैं, हम DIOS महोदय जी के पास इसलिए आए कि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके और जितने भी अभिभावक हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। इस क्या वजह थी जो बच्चों को ट्रिमर चलाया गया? सर वजह तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ट्रिमर चलाया है, जबकि विद्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का है। कल छात्रों को 5:30 बजे छोड़ा गया है, जिसमें एक छात्र रो रहे हैं, बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी एक नहीं सुनी गई है। तो हम ये चाहते हैं अगर कल को ये विद्यालय जाएं तो किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई उत्पीड़न ना किया जाए, और कोई इनको उत्पीड़न करता है या कोई इनसे अभद्र व्यवहार करता है पूरे विद्यालय में, अगर बच्चों ने आकर मानसिक का उसमें कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के प्रबंधक महोदय वो होंगे, जिसके बाद जितने भी अभिभावक हैं पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी है।